नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है। तब हमने पाया कि हिमाचल प्रदेश का विस्तार उत्तर और पूर्व दिशा में हुआ है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हिमाचल प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों के साथ लगती हैं, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों की सीमाएं आपस में मिलती है। साथ ही हमने ये भी जाना कि हिमाचल प्रदेश के दो जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, जो कि लाहौल स्पीति और किन्नौर है। आज हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसे आगे कितने भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से हिमाचल के क्षेत्रफल को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, बाह्य हिमालय क्षेत्र, जिसे कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला क्षेत्र भी कहते हैं, तथा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक है। दूसरा क्षेत्र भीतरी अथवा मध्य हिमालय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तथा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। तीसरा और अंतिम जो हिमालय क्षेत्र है उसे उच्च हिमालय क्षेत्र अथवा अल्पाइन हिमाचल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तथा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक है। अब हम वन बाय वन इन तीनों क्षेत्रों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश का प्रथम भौगोलिक विभाजन बाह्य हिमालय या शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नाम से किया जाता है। इसे भीतरी हिमालय भी कहते हैं। प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत श्रृंखला को मानिक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तब हमारा आंसर क्या होगा, मानक पर्वत। शिवालिक पर्वत श्रृंखला का जो शाब्दिक अर्थ है वह शिव के केश। स्थानीय भाषा में लोग शिवालिक पर्वत श्रृंखला को रोजना के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक पर्वत श्रृंखला में जितने भी पर्वत हैं वह बहुत ही कोमल चट्टानों से बने हुए हैं, अर्थात इन चट्टानों को जो नदी के पानी की धाराएं हैं वह भी आसानी से काट सकती हैं। शिवालिक पर्वत श्रृंखला में जो वार्षिक वर्षा होती है वह 150 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम जानेंगे कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों को शामिल किया जाता है। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला में सबसे पहले ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के संपूर्ण जिलों को शामिल किया जाता है, तथा कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और मंडी के जो जिले हैं उनके जो निचले क्षेत्र हैं वह शिवालिक श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। शिवालिक श्रृंखला में मुख्य रूप से मक्का, गेहूं, अदरक, धान और फलों की खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश का दूसरा भौगोलिक विभाजन भीतरी अथवा मध्य हिमालय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। इस हिमालय क्षेत्र को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर वन, धौलाधार पर्वत श्रृंखला और दूसरा पील पंजाले पर्वत श्रृंखला। धौलाधार पर्वत श्रृंखला में मुख्यतः कांगड़ा, चंबा और मंडी जिले के जितने भी ऊपरी क्षेत्र हैं वे शामिल किए जाते हैं। ये पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत की एक पृथक श्रृंखला है, तथा इस पर्वत श्रृंखला को दक्षिणी पश्चिमी चंबा के पास रावी तथा सतलुज तथा
लालजी के पास जो ब्यास नदी है विभाजित करती है। जो बड़ा बंगाल का क्षेत्र है वो इसी पर्वत श्रृंखला में आता है। अब हम बात करते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। सतलुज नदी इस श्रृंखला को ग्रीन हिमालय क्षेत्र जिसे कि अल्पाइन जोन क्षेत्र भी कहा जाता है से अलग करती है। चंबा की जो पांगी घाटी है इसी श्रृंखला के अंतर्गत आती है। चिनाब व रावी नदी का विभाजन भी यही पर्वत श्रृंखला अर्थात पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला करती है। हिमाचल प्रदेश का तीसरा एवं अंतिम भौगोलिक विभाजन बृहद हिमालय उच्च हिमालय अथवा अल्पाइन जोन के रूप में किया जा सकता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक है। बहुत से एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि बृहद हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है, तब हमारा आंसर क्या होगा, अल्पाइन खंड या अल्पाइन जोन। बृहद हिमालय हिमाचल के पूर्व में स्थित है तथा इसमें मुख्यतः किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा के ऊपरी हिस्सों को शामिल किया जाता है। बृहद हिमालय ही स्पीति नदी के प्रवाह को ब्यास नदी के प्रवाह से अलग करता है। बृहद हिमालय में मुख्यतः परांग दर्रा जिसकी ऊंचाई 5548 मीटर और कांगला दर्रा जिसकी ऊंचाई 4248 मीटर, कुंजुम दर्रा जिसकी ऊंचाई 4590 मीटर तथा बारालाचा दर्रा जिसकी ऊंचाई 4890 मीटर है आते हैं। जो कुंजुम दर्रा है वह हिमाचल के लाहौल स्पीति को कुल्लू घाटी से जोड़ता है तथा जो बारालाचा दर्रा है वो लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी को लद्दाख की लेह घाटी से जोड़ता है। बहुत से एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।